जैसा कि पता है कि हम आपको इस वीडियो में गोधली भाग टू हिंदी पुस्तक का 20 के दांत का प्रश्न उत्तर करा रहा हूं, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार सैन्य सिद्धांतों को भी बदल लिया। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, कह रहा है कि खोखा का दुर्लभित स्वभाव, दुर्लभित स्वभाव का मतलब कि ऐसा दुर्व्यवहार, यानी कि ऐसा स्वभाव जो जिसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो खोखा के खराब व्यवहार कारण, स्वभाव कारण सेन ने भी अपने सिद्धांतों को बदल लिया। इसको आपको क्या व्याख्या करना है कि क्यों बदल लिया, आखिर इसका कहना क्या चाह रहा है। तो आप इसको पढ़ के आपको अर्थ समझ में आ गया होगा कि आप इसका अर्थ ये होगा कि खोखा जो है गलत व्यवहार करता था, स्वभाव रहता था, उदंडता करता था, उसके अनुसार सेन साहब उसको डांटने के बजाय उनको क्या बोलते हैं, बड़ाई करते थे, प्रशंसा करते थे, यानी कि अपना सिद्धांत को बदल दिए, ठीक है। उनके नज़र में अगर कोई बदमाशी करता था, उदंडता करता था, हुआ उसको सजा देता था, लेकिन खोखा जो उनके पुत्र था वो उदंडता करता था, यानी कि गलत काम करता था, तोड़ फोड़ करता था, तो ये सब में उनको अच्छा ही दिखने लगा, ठीक है, दिखना पड़ा, ठीक है। तो वही सिद्धांत बदल लिया, यही इसका अर्थ है। एक्चुअली मैं पढ़ क्या लिखा हूँ आपको पढ़ के बता रहा हूँ, गर्मी बहुत है, पसीना पसीना हो गया, चलिए पढ़ता हूँ मैं। प्रस्तुत पंक्ति गोधली भाग टू बीस के दांत शीर्ष पाठ से लिया गया है, ठीक है। आपको बताया हूँ कि आपको व्याख्या लिखना है तो कहाँ से लिया गया वो लिखना पड़ेगा, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखवाया हूँ। प्रस्तुत पंक्ति गोधली भाग टू बीस के दांत शीर्षक पाठ से लिया गया है। कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार इस पाठ से सेन साहब के पांचों पुत्रियां सभ्य और सुशील हैं, और उनके प्रत्येक व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना है भली भांति पार ज्ञात है। पर सेन साहब के पुत्र जो हैं वो यहाँ पे इसलिए पॉइंट को लिखा हूँ ताकि मैं खोखा का तुलना कर सकूँ उनके बहने, यानी कि सेन साहब की पुत्रियों के साथ, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि खोखा का दुर्लभित व्यवहार क्या है, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति का व्यवहार खराब है या अच्छा है उसको कब पता चलेगा, जब उसको हम तुलना करेंगे किसी से, ठीक है। तो तुलना किए तो खोखा का व्यवहार दुर्लभित लगा। अगर देखिए, और उनका प्रत्येक व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना है भली भांति ज्ञात है। पर सेन साहब के पुत्र खोखा बड़े ही उदंड एवं शरारती हैं तथा वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, गाड़ियों तोड़ फोड़ करते थे। इस प्रकार सेन साहब खोखा के दुर्लभित स्वभाव अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया, ठीक है। इसलिए बदल दिया क्योंकि खोखा जो गाड़ी तोड़ता था, ठीक है, तो वो सोचा कि गाड़ी तोड़ रहा है तो जरूर इसमें इंजीनियर वाला गुण है, इस क्योंकि इंजीनियर ही तोड़ फोड़ करता है, खोल खाल करता है। इस कारण वो अपना सिद्धांत बदल लिया, उसे डांटने के बजाय उनको प्यार दुलार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने एक ही क्वेश्चन कराया हूँ, आगे मैं क्वेश्चन कराऊँगा, मुझे काम पड़ गया इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।